नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार होम गार्ड भर्ती 2011 का फिजिकल शुरू हो गया है, लेकिन सभी कैंडिडेट को एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है जो कि उनके जिले में आपको फिजिकल शुरू हो जा रहा है, लेकिन उन सभी को पता नहीं चल रहा है कि उनका फिजिकल कब होने वाला है, कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, किस ग्राउंड में फिजिकल होने वाला है। तो दोस्तों, प्रॉपर जानकारी आपको जानने के लिए इस में आप बने रहे और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, वो भी लाइव प्रूफ के साथ, और साथ में यह भी बताने वाला हूं कि आपके जिले में कितने पोस्ट है, टोटल पोस्टों की संख्या क्या है, कितना रनिंग हो रहा है, सब कुछ आपको लाइव प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, सभी जिले में भर्ती एक एक करके आपको यानी फिजिकल शुरू हो रहा है, लेकिन बहुत सा कैंडिडेट का कुछ पता नहीं चल रहा है कि उनके जिले में कब है। सब कुछ आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, आप भी अपने जिले में चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है सही और सटीक बहुत कम समय में। दोस्तों, पहले चलिए पोस्ट के बारे में जानते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके जिले में कब से फिजिकल होने वाला है। दोस्तों, देखिए यही नोटिफिकेशन 2011 जुलाई में आपको जारी किया गया है, यहाँ पर लिखा है आपको दैनिक जागरण पटना 16 जुलाई 2011 इसका अप्लाई डेट था, और लास्ट अप्लाई डेट था आपको 30 जुलाई 2011। सभी चीज मेरे पास प्रॉपर आपको है। दोस्तों, मेरे पास जो मैं आपका पावती रसीद कटाया था वहां जाकर, वो भी मैं दिखाने वाला हूं आप कैसे, आपके पास यही रसीद होना चाहिए। देखिए यही मेरे पास है जो कि मेरा यह पावती रसीद है। दोस्तों, यहां पर देखिए आपकी पांचवी पास सभी जाति के युवक युवतियों के लिए, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के लिए 11,122 पोस्ट था। दोस्तों, नीचे में आइएगा तो पटना जिला में आपको 2,200 पोस्ट था, नालंदा में आपको 275 पोस्ट था, भोजपुर में आपको 220 पोस्ट था, रोहतास में आपको 275 पोस्ट था, बक्सर में आपको 275, भभुआ में 220, गया में 220, नवादा में आपको 175, जहानाबाद आपको 120, अरवल आपको 175, औरंगाबाद आपको 175, मुजफ्फरपुर आपको 220, वैशाली 265, सीतामढ़ी आपको 170 पोस्ट था। वही दोस्तों, शिवहर में आपको इसमें टोटल 270 पोस्ट था, सारण में 270 पोस्ट था, गोपालगंज में 220, मोतिहारी में आपको 175, बेतिया में दोस्तों 230, दरभंगा में 280, समस्तीपुर में आपको 270, मधुबनी में 170, पूर्णिया में 170, कटिहार में 170, अररिया में 270, सहरसा में 170 पोस्ट था, सुपौल में आपको 170, मधुबनी में 270, भागलपुर में आपको 270, नौगछिया में आपको 175, बांका में 220, मुंगेर में 170, जमुई में आपको 270, लखीसराय 270, शेखपुरा 270, खगड़िया आपको 170, बेगूसराय आपको 170, बगहा में आपको 275। टोटल इसमें आपको 11,122 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ग्रामीण में आपको 10,032 पोस्ट था, वही दोस्तों शहरी में आपको 1,090 पोस्ट रखा गया था। दोस्तों, यहां पर आपको फिजिकल भी दिया गया है, जो कि हाइट आपको 5.4 यानी 1.6 आपको होना चाहिए। वही दोस्तों, अगर आप पूर्णिया सहरसा से आते हैं तो आपको 1.57 सेमी हाइट होना चाहिए। वही दोस्तों, आपका जो चेस्ट होना चाहिए 31 cm होना चाहिए, और आपका जैसे बोलते हैं सेमी में आपको 69 होना चाहिए नॉर्मल में। वही दोस्तों, अगर आप सहरसा पूर्णिया से आते हैं तो आपको 30 चेस्ट चाहिए यानी 76 सेमी चाहिए, वही कैंडिडेट इसमें भाग लेंगे। वही दोस्तों, इसमें नीचे में आइएगा तो यहाँ पर रनिंग भी दिया गया है, जो कि 1 मील की दौड़ यानी 1600 आपको 6 मिनट में क्वालीफाई करना है। दोस्तों, बहुत दिन से भर्ती रुका हुआ है, इसलिए आपका समय भी कुछ ज़्यादा दे रहा है, जो कि आपको आगे बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। इसमें
पुरुष कैंडिडेट के लिए 1 माइल आपको 6 मिनट में क्वालिफाई करना है और महिला उम्मीदवार को 800 मीटर आपको 5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना है। लेकिन बहुत दिन समय बीत गया है, इसलिए आपका समय कुछ ज़्यादा भी दे रहा है। ऊंची कूद यानी आपको हाई जंप 4 फीट मेल कैंडिडेट यानी पुरुष के लिए और महिला के लिए आपको 3 फीट इसमें दिया गया है। ऊंची कूद वही दोस्तों लंबी कूद आपको इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए दिया गया है, जो कि आपको 12 की 14 फीट आपको पुरुष के लिए और 9 फीट महिला के लिए रखा गया है। गोला फेंक आपको पुरुष के लिए 16 पाउंड 16 फीट फेंकना है और महिला के लिए वही आपको 12 पाउंड का है 12 फीट फेंकना है। दोस्तों यही नोटिफिकेशन है। दोस्तों चलिए जानते हैं बिहार के किस जिले से होमगार्ड का फिजिकल के शुरुआत किया गया है और आप अपने जिले के फिजिकल के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, प्रॉपर जानकारी चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी बांका जिला में आपको यह फिजिकल हो रहा था, जो कि 17 दिसंबर 2021 शुक्रवार से यह शुरू था और आपको यह बुधवार यानी 22 दिसंबर तक यह फिजिकल चला था, जिसमें आपको सभी प्रखंड जितना थे आपको बांका जिला में उनका फिजिकल समाप्त हो गया है। दोस्तों इसमें 220 पोस्ट था, यहाँ पर नोटिस में देखिए मेंशन किया गया है 220 पोस्ट था, जिसमें आपको ग्रामीण के लिए 200 पोस्ट और शहरी के लिए आपको 20 पोस्ट था, जिसमें 10,692 कैंडिडेट आवेदन किए थे। लेकिन इतना कैंडिडेट वहाँ फिजिकल सेंटर पर नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि उन लोग का मालूम भी नहीं था और बहुत सा कैंडिडेट के पास यह पावती रसीद भी नहीं था, जिसके कारण से वह यह फिजिकल में भाग नहीं ले पा रहे थे। तो दोस्तों आप अपने जिले के बारे में कैसे चेक कर सकते हैं, यह जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि यह नोटिस कहाँ है। होमगार्ड के ऑफिशियल साइट पर जाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, मैं बताऊँगा आपको कैसे पता चलने वाला है। लेकिन पहले उससे पहले जान जाइए इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। दोस्तों नीचे में यहाँ पर देखिए, इसी के नीचे में आइएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा है शारीरिक परीक्षा हेतु आवेदक प्रातः 7 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। नीचे में यहाँ पर आवेदक अपने साथ हाल का खींचा हुआ 6 पासपोर्ट रंगीन फोटो ले जाना है और साथ में आवेदन की पावती, जो आप आवेदन जमा किए थे एक रसीद मिला था यानी पावती मिला था वह ले जाना है और साथ में आपको आधार कार्ड ले जाना है जो कि ओरिजिनल होना चाहिए और साथ में एक आपको जीरोक्स जिस पर 100 प्रमाणित छाया प्रति साथ आपको लेकर जाना है। यही 3 गो आपको चीज फोटो आपको ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है और आपको पावती यानी वही आपका प्रवेश पत्र है लेकर साथ में जाना है और आपको कोविड का पालन भी करना होगा। दोस्तों अगर आप 9 बजे से के बाद में जाते हैं तो आपका प्रवेश भी नहीं मिलेगा। दोस्तों आप अपने जिले के बारे में कैसे चेक करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है जिला सामदेष्टा कार्यालय। दोस्तों आप जो भी जिला के हैं उस जिले के आप सामदेष्टा कार्यालय यानी आपको डालना है। जैसे अगर आप भोजपुर जिला से हैं तो भोजपुर जिला सामदेष्टा कार्यालय जैसे ही आप गूगल पर डालिएगा आपके सामने भोजपुर NIC.in करके आपको वेबसाइट आएगा, वहां पर देखिए यह बांका जिला के ऑफिशियल साइट है। यहां पर देखिए प्रॉपर आपको जानकारी दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए प्रॉपर आपको दिया गया है। भर्ती सेक्शन में जाइएगा तो यह नोटिस देखिए, यहां से इसका नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो दोस्तों बार बार आप जिले के वेबसाइट पर जाकर विजिट करें और मेरे चैनल के साथ भी जुड़े रहें। मैं हमेशा रोज एक बार जाकर सभी जिले के ऑफिशियल साइट से चेक करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि किस जिले में कब से फिजिकल होने वाला है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और चैनल के सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के पास शेयर कर दे जिनका भी इस होमगार्ड में फिजिकल होने वाला है। तो दोस्तों कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करें, आपको एक एक बारीकी से मैं बताने वाला हूं। दोस्तों इसी जानकारी के साथ जय हिंद, नमस्कार।